आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के जिला अधिकारी कार्यालय और यहाँ हम जानने आए हैं कि यहाँ पर जो आम जनता आती है उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं के हल निकलने में कितने वक्त लग रहे हैं। तो चलिए अंदर इस ऑफिस में चलते हैं और यहाँ पर जो जनता आई है उनसे बात करते हैं। जमीन है हमारी सिरोसा भरोसा में, 17 विश्वे बची थी, वहाँ लोगों ने, गाँव वालों ने घेर रखा है, 9 साल से परेशान है, नपाई नहीं हो पाई, हमारे हैंड ओवर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या अभी तक कुछ बताया कुछ नहीं, तारीख लेते चले जाते हैं, आज भी 3 नंबर पे लगा हुआ। तो अभी आपको अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं? कुछ नहीं, कोई नपाई नहीं, नपाई हो जाए तो लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करें बेच करके। सरकार के काम को लेके क्या बोलेंगे, इतना वक्त लगा रहे अभी? सरकार तो हमारी अच्छी है, जो नीचे के कर्मचारी वो काम करना नहीं चाहते हैं। एक ही दिन में फाइनल हो जाएगा तो जैसे कि कोई भी है, हर जगह तो दक्षिणा देनी पड़ती है। किस लिए आए हो? मुझे मांग लिए है। केसी है। किस चीज़ की? जमीन की। जमीन की? कितने सालों से चल रही है पेशी? हाँ, कितने सालों से? अरे बहुत दिन से चल रही है। खींच रहा है कि कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रही है। और 97 से मतलब पट्टा हो गया था, लेकिन हमारा कब्जा था, पट्टा कैंसिल होगा, फाइनल अर्डर नहीं दे रहे हैं अभी तक। हमारी मांग समाप्त बनी है, बोरिंग है, सब कुछ। हम मैं भूमिहीन हूँ, एक विश्वास, इसके अलावा जमीन भी नहीं, विकलांग भी हूँ सर। हाँ सर, यहाँ सुनी नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रही सर, कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई नहीं सुनता यहाँ। कितनी सुनवाई हो जाती है महीने में? अरे सर अब बताओ, लास्ट डेट लगी है सर, पट्टा कैंसिल भी हो गया है, उसको लटका नहीं भाई, और लटकाए पड़े हैं वहीं। तो क्या लगता है अभी जो आखिरी डेट हमको, हाँ जो आखिरी डेट दी है उसके बाद कुछ हो सकता है? फाइनल ऑर्डर हमको मिलना है, मिलना है सर, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर हो चुका है और कैंसिल हो गया, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लटकाए पड़े हैं, यही के खाते नहरा फेरी लगाए हैं। पैसा नहीं मिलत बिटिया, नहीं मिले हैं, यही बात हमारी है। सेक्टर 16 वो 17 में हमारी फालिस गिरी, हमारे सही बोल। आप किस समस्या से आए? बहुत वक्त लगता है यहाँ। आपकी क्या समस्या है? हमारा केस है, पेंडिंग पड़ा है। कितने टाइम से हो गए? 4-5 साल। किस चीज़ का केस है? घर का, जमीन का? जमीन का। जमीन का। इन लोगों काम को लेके क्या कहेंगे कि इतना वक्त हो गया है, हो नहीं रहा अभी, हमें से मिले कहाँ, हो ही नहीं रहा, 24 साल हो गए। हाँ तो हमारा भी ऐसे 5-6-7 साल हो। जिला जज को, हाँ है, मेरी जमीन जो है मेरे पिताजी रहन रख दिया था, तो रहन पे उन्होंने अपने नाम करा दिया, दे लेकर अब वो जमीन हमसे छूट रही। तो जब रहन रखी थी उसमें, तो वो पंच कैसे कराया? क्या समस्या क्या आपकी, आप किस वजह से आए हो? हाँ मैं खेती बारे में आया हूँ। तो कितने वक्त से आ रहे हो यहाँ पर? केस चल रहा है? केस चल रहा है। कितना वक्त हो गया आते? अरे कहे लगभग साल भर ही। हाँ साल भर ही गया। तो कुछ अभी तक निकला कुछ? अब नहीं आ रहा है, अब नहीं निकला वहाँ है। तो ये कितने वक्त से चल रहे हैं मुकदमे? तो जिंदगी भर चलेंगे, उसमें क्या है? तो कोई फायदा नहीं है? नहीं नहीं, कोई फायदा न्याय का कोई मतलब नहीं, यहाँ सब पैसे का मतलब है। अपने नाम से वरिशान बनवा लिया था, अपने नाम का खाली, हम तीन बहनें थे, मतलब टोटल 4 लोग थे। उस बात को लेकर सही कराने के लिए हम दौड़ रहे, करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गए। 8 महीने ज़्यादा हो गए दौड़ रहे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने पेश की कि आपके नाम भी आए ये चीज़? ये एफिडेविट मांगा था जी। और आधार कार्ड सबके। तो आपको क्या लगे कितना वक्त लगेगा? अभी तो आज भी हम आए तो मिले नहीं, बोले मीटिंग में गए हुए हैं, तो वहाँ से आएंगे तब बात करना था। पेंशन कई महीने से आ नहीं रही थी, तो वही उन्होंने पेंशन ऑफिस में जा कर के पूछा था, पहले उनका आधार कार्ड को लिंक कराइए, तो वो करा दिया है, उसके बावजूद अभी भी नहीं हो रहा है। अभी नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ। तो इन्होंने भी टाइम दिया कि कितना वक्त लगेगा उन्हें? अभी 2 महीने पहले भी यही कहा था कि 1 महीने में आ जाएगा, आज एक दूसरे काउंटर पर बैठे थे, उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ में आएगी।